2022 के मार्च में मैं कोलकाता से बैंगलोर फिर से शिफ्ट किया था, और शिफ्ट करने के कुछ ही दिन बाद से मेरा तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गया था। खाने पीने में बदबू आ रहा था, खाने पीने का मन नहीं करता था, देन वॉमिटिंग फीलिंग्स, और नॉनवेज, जबकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, नॉनवेज भी मैं नहीं खा पा रही थी, उसमें से ज़्यादा बदबू आना शुरू हो गया था, अनियन खा नहीं पा रही थी। तो उस टाइम में लगा कि इतना हेक्टिक रहा है हमारा जर्नी, फिर ये शिफ्टिंग वगैरह, वो गर्मी का सीज़न था तो हो भी सकता है कि जॉन्डिस हो गया हो, तो चेकअप कर लेते हैं। जब हम लोगों ने एस्टर गए थे तो वहाँ पे चेकअप वगैरह किया तो कुछ नहीं निकला, देन गायनो के साथ जब हमने कंसल्ट की तो उन्होंने कहा प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, एंड यस आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम। पर हमेशा से मुझे सेकंड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए था, बिकॉज हमें थायराइड के कारण आर्यन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आया था, मैं अपने प्रीवियस ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी। तो सेम कारण की वजह से मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और जब आपका एज बढ़ता है ना तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सो उस टाइम में जो टेम्पोररी सोल्यूशन है तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो मेरे गाइडर ने कहा था कि टेम्पोररी सोल्यूशन आप करेंगे दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन में जाइए। सो सर्जरी में तो मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि खामों का मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो उस टाइम में उन्होंने मुझे सजेस्ट की कि मैं कॉपर टी यूज़ करूँ, तो ये रहा वो दो पैकेट, क्योंकि पैकेट हमेशा रखना चाहिए क्योंकि इस पे डेट लिखा हुआ है। मैंने जो कॉपर टी यूज़ की थी उसका वो 5 साल तक चलेगा, और 3 साल का भी होता है, पर हमने 5 साल यूज़ की है, और 2 मेरे पास क्यों है क्योंकि एक खाली है और एक में है अभी भी, बिकॉज उस टाइम में ना मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मतलब बहुत मुश्किल से हमें मिला था, तो हमने 2 लोगों को एक साथ, मतलब जब नहीं था तो नहीं था, पर जब मिला तो 2 एक साथ 2 जन 2 लेके आ गए, तो अभी लेना ही पड़ेगा। तो एक में है और एक में नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ वो। तो कॉपर टी दिखता कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक धागा है वो भी नायलन का, तो ये आपके अंदर सेट किया जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा हुआ है जो कि शूट करना पड़ता है, जैसे गन से गोली शूट किया जाता है ना, बिल्कुल ऐसे शूट किया जाता है, और वो अंदर जाके वो ऐसे अटक जाते हैं बिल्कुल ऐसे। और ये जो धागा है ये निकला हुआ रहता है, पर जो लोग मिंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो उनके लिए स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अगर आप मिंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो ये वाला जो धागा है ये हम छोटा कर देंगे, अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो तो ये इतना छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो मेरा, मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ये यूज़ करने के बाद मेरा जो फर्स्ट पीरियड था उस टाइम में 20 डेज तक मेरा ब्लीडिंग हुआ था, 20 डेज तक मैं लिटरली डर गई थी कि ये क्या हो रहा है, क्या ठीक ठाक सेट नहीं हुआ है या क्या हो रहा है, मुझे मतलब बहुत डर लग रहा था। तो उसके बाद फिर से गई वही डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि ये आपके कॉपर टी के कारण नहीं, एक्चुअली आपके एब्डोमेन में एक सिस्ट था, USG करने के टाइम में ही मैंने उसे देखा था, पर वो नॉर्मली लेडीज़ को होता रहता है जिनका पीरियड्स ठीक ठाक नहीं होता, तो उनको एक ब्लड का क्लॉट वगैरह वो सब होते हैं कभी कभार, वो डेंजरस कुछ नहीं है, तो वही आपका निकल रहा है आपके पीरियड्स के साथ, तो इसलिए इतना टाइम तक आपका ये हो रहा है। तो उस टाइम वो जो टाइम था वो टाइम में मुझे अगर किसी ने बचाया है ना, विस्पर का ये जो बिंदास नाइट पैड है ये मुझे बचाया था। ये सैनिटरी पैड गाइज मैं आपको क्या बोलूँ, मेरा रातों का नींद हराम हो गया था कि एवरी 3 घंटे में मुझे चेंज करना पड़ता था, मतलब बचपन से फर्स्ट पीरियड से ही शायद आप लोग यूज़ करते होंगे और मैं भी वही किया, पर वो हर एक अलग अलग रेंज होता है ना, पर ये जो है जो बिंदास नाइट ये रियली मेरे नाइट को बिंदास बनाया है। एंड इसके बारे में क्या बोलूँ कि मुझे रात में बस एक ही बार जागना पड़ता था वो भी मिड नाइट पे, हर 3 घंटे में हर 2 घंटे में मुझे चेक करना नहीं पड़ता था, पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था। तो जिन लोगों का हेवी ब्लीडिंग होता है ना तो उनके लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एवरी मंथ। विस्पर के बहुत सारे रेंज होते हैं तो स्पेशली मैं इसकी बात कर रही हूँ, इट इज़ अमेजिंग। और इसका जो सैनिटरी पैड का साइज़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, फुल कवरेज देता है और सॉफ्ट वगैरह वो तो होता ही है, विस्पर के जो क्वालिटी है उसके बारे में और क्या बोलूँ। तो उस टाइम में ये मुझे बहुत हेल्प किया है,
और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज़ जो रात में, एटलीस्ट रात के लिए भी आप इसे यूज़ करो। इसका लिंक मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, और अगर आपको इसे चेक करना है तो व्यू टैग में जाके आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ अमेजिंग, मुझे बहुत हेल्प किया है उस टाइम में। ये यूज़ करने के बाद आप भारी काम नहीं कर सकते, आप डांस वगैरह नहीं कर सकते, आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, तो इसलिए कभी कॉपर टी के बारे में मैंने सोचा तक भी नहीं। पर डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, इवन आप इसे यूज़ करने के तुरंत बाद, मतलब इसे यूज़ करने के बाद आप हॉस्पिटल से निकलो, निकलने के बाद आपके मन में जो आया आप करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो उनके गारंटी पे ही मैं इतने महीने तक टिकी हुई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है गाइज। इवन अभी तो मुझे किसी भी कारण से कभी फील नहीं होता कि मेरे अंदर कॉपर टी है, कुछ अलग बाहर की चीज़ है, ना ही पेन, ना ही कुछ, कुछ नहीं। तो जो सुनते हैं ना हम, वो हमेशा, मतलब लोगों के मुंह से, वो हमेशा सही नहीं होता, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और। जब ये एकदम जाके मतलब शूट किया, उस टाइम में एक अलग ही झंझनाहट बॉडी में, मैं जस्ट, मेरी आंखें जस्ट ऐसे, क्या हुआ? और इमिडिएटली कुछ टाइम के बाद, मतलब 2-3 मिनट के बाद मेरा दर्द कम हो गया। मतलब उसके बाद मुझे कुछ ऐसा ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ था मेरे साथ, पर थोड़ा सा सेंसेशन तो रहता है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि अभी 5 साल तक या 3 साल तक मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसके बाद इसे निकालेंगे और उस टाइम में अगर हम चाहे तो प्रेगनेंट हो सकते। तो गाइस, इसके ये निकालने के बाद भी आप प्रेगनेंसी आराम से ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर आप 3 साल के लिए लेना चाहते हो तो भी वो ले सकते हो, पर यहाँ पे एक डेट मेंशन किया हुआ रहता है, आपको मैं दिखाती हूँ, पेन से एक डेट मेंशन किया हुआ है। और ये मैंने यूज़ की थी 18/5/22 में, तो ये मेंशन किया रहता है, तो आप भूल भी सकते हो ना, तो इसलिए इसे हमेशा पैकेट के साथ संभाल के रखना, वो 3 साल हो या 5 साल हो तब तक। तो मैंने भी इसे रखा है और एक मेरे साथ एक्स्ट्रा था, तो आज जब ड्रॉर क्लीन करी थी तो ये मुझे जाके मिला, तो मुझे लगा कि चलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है ये आपके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज ऐसा जो चीज़ है ना वो हर कोई यूज़ नहीं करता। जो नॉर्मल टेम्पोररी सोल्यूशन है उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। ये जो है सिर्फ ये वाला पार्ट आपके अंदर जाएगा, ये देखो, और ये स्ट्रॉ जैसे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला तो निकला जाएगा क्योंकि इसके थ्रू इसे सेट किया जाता है, पर ये है एक्चुअली वो चीज़, धागा, नायलन का धागा। तो ये धागा कुछ हद तक निकला हुआ रहेगा, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इसी बीच में, इस 5 साल के बीच में अगर आपको कभी भी लगता है कि आप प्रेगनेंसी लेना चाहते हो तो आप आके इसे निकाल सकते हो, इसे रिमूव किया जा सकता है 5 साल से पहले भी अगर आप चाहे तो। 100% गारंटी तो भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकता, तो इसमें 99.999% गारंटी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देर से ही हो, देर आए दुरुस्त आए, तो अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर आपको भी मन ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काम कर सकता है, या आप ऐसे कोई फेस से जा रहे हो बार बार, ये किसी ना किसी कारण से अचानक से प्रेगनेंसी आ जाता है, अब इसके लिए क्या करो या सावधानी बरतो, तो मुझे लगता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और हाँ, अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी अगर मैं खुद जानती हूँ तो। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो एक बहुत अच्छा शेयरिंग आपके साथ की, और बहुत हल्का फील हो रहा है क्योंकि अभी तक इसको लेके मैं किसी के साथ कभी बात नहीं की, तो आपके साथ करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।